एक नाव पड़ी थी एक नदी के किनारे और चार कछुए छलांग लगा के उसमें बैठ गए। हवा तेज थी, उनके धक्के से नाव चल पड़ी। वो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक बड़ा दार्शनिक सवाल उठाया कि नाव कौन चला रहा है, हम तो नहीं चला रहे। एक कछुए ने कहा, नदी चला रही, देखते नहीं नदी की धार बही जा रही, वही नाव को लिए जा रही। दूसरे ने कहा, पागल हुए, ये हवा है नदी नहीं जो नाव को चला रही। बड़ा विवाद छिन गया। तीसरे ने कहा, ये सब भ्रम है। और भी बड़ा दार्शनिक रहा होगा, ये सब भ्रम है, ना नाव चला रही नदी चला रही, ना कोई चल रहा ना कहीं कोई जा रहा, ये सब सपना है, हम नींद में देख रहे हैं। चौथा लेकिन चुप रहा। उन तीनों ने चौथे की तरफ देखा और कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन चौथा फिर भी चुप रहा। उसने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं। उसने बड़ी गहरे अनुभव की बात कही थी, किसको पता है कौन चला रहा, पता हो भी कैसे सकता है? जिन्हें पता है वे शायद कहें पता नहीं, और जिन्हें पता नहीं वे निश्चित उत्तर देंगे कि पता है, क्योंकि इसी भांति वे अपने अज्ञान को ढांक सकेंगे। वो तीन कछुए आपस में लड़ते थे, लेकिन उनका विवाद खत्म हो गया जब इस चौथे कछुए ने शांत रह के कहा कि मुझे पता नहीं, किसको पता है। उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बड़ा रहस्यवादी बनता है, बड़ा समझदार बनता है, इतनी समझदारी की बात कर रहा है कि हमें पता नहीं किसी को पता नहीं। धक्का मार के नीचे गिरा दिया। सत्य जब भी बोला गया है तो बाकी कछुओं ने उसे धक्का मार के गिरा दिया। सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया गया। अनेक बार लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु की पहचान क्या है? मैं कहता हूं, सदगुरु की तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ सुनने की कला सीख लो, बस सदगुरु तुम पहचान लोगे। सदगुरु छिपाएगा तो भी छिपा ना सकेगा। तुम सुनने की क्षमता रखना, और जब सुनने में कहीं तुम्हारे पास कोई सार्थकता का अनुभव आने लगे तो घबरा के भागना मत, क्योंकि सदगुरु सार्थक दिखेगा तो तुम निरर्थक दिखोगे। फिर चाहे वो मुसलमान फकीर हो, चाहे जैन मुनि हो, चाहे बौद्ध भिक्षु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मस्जिद हो कि मंदिर, इससे क्या फर्क पड़ता है? असली कसौटी हाथ में आ गई कि जहां सब शांत होने लगता है। कठिनाई क्या है, अड़चन क्या है? बुद्ध पुरुष चिल्लाते रहे शिखरों पर खड़े होकर, छपरों पर खड़े होकर, अड़चन क्या है? क्यों हम सुनते नहीं? अड़चन कहीं कुछ भारी होनी चाहिए, इतनी भारी होनी चाहिए कि हम बुद्ध पुरुषों की फिक्र छोड़ देते और अपना गोरख धंधा जारी रखते। अड़चन यह है कि जिसे तुमने अभी समझा है कि तुम हो, इसे गंवाना पड़ेगा अगर उसे पाना हो जो कि तुम वस्तुता हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धाम, तुम्हारा पता ठिकाना, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा तादाद, सब झूठा है। तुमने जिसे अब तक आत्मा माना है वो आत्मा है ही नहीं। सब जीत आखिर में हार सिद्ध होती। संग्राम विजेता वह है जो एक अपने को ही जीत ले। संसार की हवाएं उस सिंहासन से तुम्हें नीचे नहीं उतार सकती। वही पद है पाने योग्य जो फिर छीना न जा सके। एस धम्मो सनंतनो सनंतनो, वही है शाश्वत धर्म। जीव का उद्धार केवल धर्म से। धर्म का क्या अर्थ? धर्म का अर्थ अनुभव में आ जाए जो।